विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। आकाश में ये लालिमा क्यों छा रही है? गणेश तो भीतर बाहर जैसे पूर्ण रूप से तप रहा। माता पार्वती गणेश जी को इस अवस्था में देखेंगी तो वो आवेशित हो उठेंगी। देवगण बचिए। पुत्र गणेश, मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। आ, आ, मा! आ! गणेश तो अपार संकट में है। भैया, गणेश, ये क्या हुआ है तुम्हें? ज्ञात नहीं भैया, किंतु बहुत तीव्र ताप का अनुभव हो रहा है मुझे, और मेरे उधर में से तो भयंकर ताप उत्पन्न हो रहा है, जैसे जैसे मेरे भीतर ज्वालामुखी का लावा अपने ताप के चरम पर हो। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी ने अर्नलासुर को निगला है और उसके शरीर का मूल तत्व लावा ही था, और वो खोलता हुआ लावा प्रथम पूज्य गणेश जी के उधर में अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। गणेश पीड़ा से माँ को पुकार रहा है, मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर माँ को सूचित करना चाहिए। माता पार्वती गणेश जी को इस अवस्था में देखेंगी तो वो आवेशित हो उठेंगी, और माता पार्वती के क्रोध से तो संसार परिचित ही, हम देवता भी उनके क्रोध के प्रभाव से रक्षित नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, क्या माता पार्वती को इस विषय में बताना उचित होगा? मेरे विचार से वो व्यर्थ में ही चिंतित हो जाएंगे। हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप देखिए, शीघ्र अति शीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी एकदम कुशल हो जाएंगे। हाँ, इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं, माँ को व्याकुल करने का कोई भी लाभ नहीं, हम है ना, हम गणेश को संभाल लेंगे। गणेश तुम तनिक भी चिंता मत करो, हम सभी है ना यहाँ, हम शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लेंगे तुम्हारे इस ताप को शांत करने का। हाँ कुमार कार्तिकेय, हमें सर्वप्रथम गणेश जी को किसी उचित स्थान पर स्थित करना होगा। वो उस नीम के वृक्ष के नीचे, गणेश जी उस नीम के वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो उनके स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। हाँ सूर्यदेव, यही सर्वथा उचित रहेगा। आओ गणेश, आओ मेरे साथ। इतना प्रचंड ताप जिसने मुझे भी प्रभावित कर दिया। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? गणेश तो भीतर बाहर जैसे पूर्ण रूप से तप रहा है, उसके तन से उत्पन्न होने वाली है उष्मता इतनी अधिक है कि उसका स्पर्श करने पर उसका प्रचंड ताप मुझे भी अनुभव हुआ। फिर इस ताप को कैसे शांत करेंगे हम? आप सभी मुझे लेकर बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। गणेश जी, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, ऐसे तो आपका हाथ भी इस ताप से प्रभावित हो जाएगा। ये प्रचंड ताप तो मेरे लिए भी असहनीय हो रहा है, किंतु मुझे इसे सहन करते हुए अनुज की सहायता करनी ही होगी, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय भी नहीं है। नहीं गणेश, कुछ नहीं होगा मुझे, आओ चलो मैं तुम्हें उस नीम के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में ले चलता हूं। कदाचित यहां गणेश जी को थोड़ी शांति प्राप्त होगी। नीम वृक्ष की छाया का शीतल प्रभाव कुछ तो लाभ अवश्य करेगा। आओ अनुज गणेश।
यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। नीम के पेड़ की छाया के प्रभाव से गणेश जी का चित्त अवश्य शांत होगा। गणेश जी, इस पेड़ की छाया में बैठकर क्या आपकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है? हाँ, ये नीम वृक्ष की छाया तो अवश्य शीतल है। इसका अर्थ है उपाय कार्य कर रहा है। नीम की शीतल छाया से गणेश भी शीतल हो रहा है। करूं, गणेश को इस कष्ट से मुक्ति कैसे दिलाऊं? तत्काल हमें गणेश के लिए वायु झलना चाहिए। नहीं उचित उपाय। ये आप सब क्या कर रहे हैं? जब मैं स्वयं वायुदेव यहाँ उपस्थित हूँ तो ये कार्य करने की आपको क्या आवश्यकता? वायुदेव तो सर्वथा उचित कह रहे हैं। आइए वायुदेव, आप सब पीछे हट जाइए, मैं अभी शीतल वायु प्रवाहित करता हूँ। हाँ, उचित है। गणेश पर इस शीतल वायु का प्रभाव तो अवश्य होगा। प्रतीत होता है ये युक्ति सफल हो रही है। मेरी शीतल पवन गणेश जी को अवश्य उनके भीतर के ताप से रक्षित करेगी। अब मैं ऐसी शीतल वायु उत्पन्न करूंगा जो उन्हें सभी ओर से घेर लेगी। अद्भुत वायुदेव, आपकी युक्ति सफल हुई। गणेश, आप कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? इस शीतल वातावरण से प्रभावित होकर क्या तुम्हारा ताप कुछ शांत हुआ? मेरी शीतल वायु का प्रभाव भी नष्ट हो रहा है, ये हिमकंड भी पिघल रहे हैं। वायुदेव, अपने पवन के प्रवाह को रोक दीजिए। गणेश जी की ऊर्जा आपकी पवन को लू में परिवर्तित कर रही है। कुछ क्षणों के लिए तो उचित लग रहा था भैया, किंतु ये ताप पुनः उभर रहा है। बहुत कष्ट दे रहा है ताप मुझे। नहीं, मैं गणेश को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। हमें गणेश के भीतरी ताप को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। पुत्र गणेश, माता, क्या हुआ माता? मैंने गणेश का स्वर सुना, जैसे वो लौट आया हो। ऐसा आभास हुआ मुझे जैसे उसने मुझे पुकारा हो। किंतु मैंने तो तुम नहीं सुना। माता अवध्य धने दीति प्रतिष्ठा में अधीन हो रही है। यदि उमा को ज्ञात हो गया कि गणेश का उदर अर्नलासुर के लावा से भरा है तो वो अत्यंत व्याकुल एवं उग्र हो जाएंगी। मुझे ही गणेश की कुशलता का कोई उपाय करना होगा, और जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर कैलाश लौट आएगा तब हम उमा को इस घटना का विस्तृत विवरण दे सकते हैं। चंद्रदेव,
प्रणाम महादेव। क्या आपको कोई चिंता सता रही है प्रभु? मेरे भीतर का ताप मुझे शांत नहीं होने दे रहा है भैया। मैं क्या करूं इस विकट स्थिति से अनुज गणेश को कैसे निकालूं मैं? कुमार कार्तिकेय, मुझे विश्वास है अग्नि देव होने के नाते मैं गणेश जी के भीतर की अग्नि और तपते लावा को नियंत्रित कर सकता हूं। हाँ, यही उचित। गणेश, तुम स्थिर होकर बैठे रहो, अग्नि देव तुम्हारे भीतर के लावा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, उचित है। आइए अग्नि देव। क्या हुआ अग्निदेव? कुमार कार्तिकेय, इस अग्नि और लावा को वश में करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक आसुरी अग्नि है। तो फिर क्या करें हम? गणेश को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने की अब क्या युक्ति शेष है? नहीं, चंद्रदेव, आप यहां? प्रणाम गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, मैं यहां आपकी सहायता के लिए आया हूं। मैं अपनी शीतलता गणेश जी पर उड़ेल लूंगा तो कदाचित उनके भीतर का तापमान नियंत्रित हो जाएगा। महादेव का सुझाव उचित था, मेरा शीतल प्रकाश सफल हो रहा है, गणेश जी पर उसके प्रभाव का आभास हो रहा है। चंद्रदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लावा मेरे मुख से बाहर निकलकर विस्फोट उत्पन्न करने जा रहा था। मैं स्वयं को रोक नहीं सका। आप कुशल तो है ना? गणेश जी, मैं तो सर्वथा कुशल हूँ, किंतु दुख मात्र इस बात का है कि मेरा शीतल प्रकाश आपको शीतलता प्रदान करने में असमर्थ रहा। क्या करूं, कैसे सहायता करूं अपने अनुज की ताकि वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पा सके? यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अब हमें माँ को इस स्थिति से अवगत कराना होगा? पिताश्री, ये देखिए ना गणेश को क्या हो गया। पिताश्री, आप अकेले ही आए हैं, मां नहीं आई आपके साथ? पुत्र कार्तिकेय, मैंने अभी तक उमा को इस परिस्थिति से अवगत नहीं कराया है।
उचित ही किया महादेव ने, अन्यथा माता पार्वती की प्रतिक्रिया तो विध्वंसक भी हो सकती थी। उचित ही किया पिताश्री, माँ गणेश की पीड़ा नहीं सह पाती, वो अवश्य व्याकुल और क्रोधित हो उठती। और वैसे भी अब आप आ गए हैं तो इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा और सब कुछ यथावत भी हो जाएगा। पुत्र, हमें गणेश की भीतर की उष्णता का उपचार औषधियों से करना होगा। ऐसी औषधियां जो उसके उदर को भीतर से ही शीतलता प्रदान करे। अर्थात पिताश्री, हमें देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करना चाहिए। गणेश की पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसका कोई उपचार सुझाइए। महादेव, हम अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सक हैं। गणेश जी की ये अवस्था देखकर हम शैल्य प्रक्रिया से इनके भीतर का लावा बाहर निकाल दें। शैल्य प्रक्रिया, मैं शैल्य चिकित्सा कदापि नहीं करवाऊंगा। महादेव, हमें शल्य चिकित्सा का परित्याग कर धनवंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें औषधियों का ज्ञान है, वो अवश्य कोई ना कोई ऐसी औषधि बताएंगे जिससे गणेश का उदर शांत और स्थिर हो जाए। हाँ मामा जी, धनवंतरी जी की औषधि ही उपयुक्त होगी, उसी से मेरी अवस्था में सुधार होगा। अपना हाथ सीधा कर सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य। गणेश जी का तापमान तो बहुत अधिक, इनके भीतर का लावा उबल रहा है। धनवंतरी जी, अब आप ही कोई उपचार कीजिए। गणेश जी, ये चंदन है, इस चंदन का लेप अपने उदर पर लगाइए, इससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? गणेश जी के उदर के ताप ने तो चंदन को भी सुखा दिया, पर कोई बात नहीं, मैं कोई अन्य उपचार करता हूं। शीघ्रता कीजिए, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। आकाश में ये लालिमा क्यों छा रही? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय को तो अब तक लौट आना चाहिए था, फिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? गणेश जी, ये लौकी और केवड़े का रस है, हम इसे आप पर छिड़केंगे जिससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। आ, 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 आ,
अचानक वातावरण में इतना प्रचंड ताप क्यों उत्पन्न हो रहा? धन्वंतरी जी, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बूंदे तो मेरे तन पर तनिक भी नहीं टिक रही है। मेरे तन का स्पर्श करते ही सूखकर वाष्प बन रही है। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। स्वामी भी अपने ध्यान स्थल पर नहीं है। कहां गए वो? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय भी अभी तक नहीं लौटे। मुझे एक विचित्र चिंता का आभास हो रहा है। और अब स्वामी भी यहाँ नहीं। आज के पूर्व जब भी गणेश पर संकट छाया है, मुझे ऐसी ही व्यग्रता का आभास हुआ है। इस बार मैं अपने आभास को पूर्ण गंभीरता से लूंगी। माँ! पुत्र गणेश, ईश्वर अपने लीला के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में कुछ सरल और सहज नहीं,